चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना का पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमारे आसपास के कुछ राज्यों को नसीहत दी है कि वहां केस बढ़ सकते हैं, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क, सामाजिक दूरी के साथ वैक्सीन जरूर लगवाएं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विदिशा हादसे पर कहा कि 26 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, ये एक दर्दनाक हादसा था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी रही। उन्होंने बताया कि कुआं काफी पुराना था, एक एक घर में अधिकारी भेजकर गुम होने वालों की लिस्ट तैयार की गई, 19 लोगों को बचा लिया गया है, मृतकों के परिवार वालों को चेक दे दिए गए हैं। सारंग ने कमलनाथ के ट्वीट पर कहा कि कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने की आदत है, रेस्क्यू में देरी हुई है, यह झूठा आरोप है। सूचना मिलते ही तत्काल जिले की एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात भर मामले पर नजर रखी। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो कांग्रेसी बचाव कार्य में सहयोग करने लगे, लेकिन एक टीम आई और देखकर चली गई। 24 घंटे बाद एक जांच दल आया। प्रदेश का नेता तो छोड़ो, जिला का नेता भी वहां नहीं खड़ा हुआ था। आपदा में राजनीति के अवसर ढूंढना कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस मौत पर राजनीति करती है, शर्मानी चाहिए। ये लगातार 26 घंटे तक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, दर्दनाक और बहुत ही दुख भरी घटना गंज बासुदा में हुई। एक कुएं में एक छोटा बच्चा पानी भरने गया और वो कुएं में गिर गया, और उसके बाद उसको बचाने के लिए और पूरी घटनाक्रम को देखने जो उपस्थित लोग थे उनमें से काफ़ी लोग कुएं में गिर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तत्काल राहत और बचाव के कार्य शुरू हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी कहा और मैं तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गया था, और हमने पूरी रात और उसके अगले दिन पूरा दिन लगभग 26 घंटे लगातार हमने 26 से 27 घंटे हम लोगों ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां का पर करवाया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी रही क्योंकि वो कुआं बहुत पुराना था और उस कुएं के आसपास की मिट्टी कि जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही लूज सॉइल है, उसके कारण बार बार हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में जब हम नीचे तक पहुंचते थे तो और लगता था कि अब 90% काम हमने कर लिया है, और उसी समय ऊपर की मिट्टी गिर जाती थी और हम फिर ज़ीरो पे आ जाते थे, और उसके कारण लगातार मशीनों के द्वारा आदमियों के द्वारा खुदाई, और क्योंकि कुआं था तो उसको ड्रेन आउट भी करना था, पानी भी निकालना था, तो लगातार ये प्रयास करने के बाद लगभग 26 से 27 घंटे के बाद पूरी सफलता मिली। पहले ही दिन हमने 19 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया, 19 लोगों की सुरक्षित जान बची, उनको अस्पताल में भर्ती कराया। हमारा गंज वासुदा के अस्पताल में ही अधिकतर लोग भर्ती रहे, लगभग 4-5 लोगों को ही रेफर करना पड़ा विदिशा मेडिकल कॉलेज के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृतक हैं उनके परिजनों को 5 लाख देने की घोषणा की है, जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपये की घोषणा है, घायल का पूरा ट्रीटमेंट मध्य प्रदेश सरकार की ओर से होगा। मैंने अधिकतर परिवार वालों को स्वयं चेक भी बांट दिए हैं, उस कल ही हमने चेक भी बांट दिए, जिन जिन जो मृतक हैं उनकी शिनाख्त होने के बाद उनके परिजनों को चेक दे दिए। कल रात में मैं वापस आया, 24-26 घंटे तक वहीं पर था। मैं हमारी टीम को बहुत बधाई दूंगा कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ और पूरी लगन के साथ इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को निष्पादित किया, पर दर्द और दुख इस बात का है कि 11 नागरिकों की मृत्यु हुई है, हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने संवेदना व्यक्त की और ये भी कहा कि कांग्रेस जन घटना स्थल पर जाएं और बचाव कार्य में मदद करें। अब बचाव कार्य में मदद करना तो दूर, आके टंगड़ी अड़ाने का काम किया, एक जांच दल आया जिसमें तथाकथित कांग्रेस के नेता आए कुर्ता पजामा पहनकर, कलफ लगा हुआ कुर्ता पजामा पहनकर आए, अपने साथ फोटोग्राफर लाए, फोटो खिंचाई और इतिश्री कर ली। संगीत की स्वर लहरियों से,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।